हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन टू। मैं पंकज के साथ हर वक्त रहूँगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप डॉली जूम इफेक्ट वाला जो शॉट होते हैं उसको आपका मोबाइल डिवाइस से कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपका मोबाइल डिवाइस से ही उसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप शॉर्ट फिल्म मेकर है तो ये जो शॉट है ये आपका वीडियो पे या कोई भी शॉट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो डॉली जूम इफेक्ट है इसको शूट करने के लिए हाई एंड कैमरे का जरूरत होते हैं, आपका डॉली का जरूरत होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है तो उसको यूज़ करके आप कैसे ये इफेक्ट बना सकते हैं और उससे आप कैसे ये इफेक्ट को शूट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैमरा को पहले यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद फ्रेंड्स कैमरा का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे मैं 4K सेट कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जूम इन करना होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट जो कैमरा है यहाँ पे नॉर्मल क्या होते हैं, स्क्रीन के ऊपर अगर टैप करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोजर लॉक हो जाते हैं, तो आपको वो सेट करना होगा पहले। तो यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, धीरे धीरे आपको खुद के तरफ इसको खींचना होगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड को प्ले कर दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा नहीं है, स्लोली आपको खींचना है। तो आप अगर ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग पार्ट और अभी आपको काइनमास्टर ओपन करना है आपका मोबाइल पे और उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको 16:9 यहाँ पे रेशियो आपको सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया पे जाना है और आपका जो वीडियो फुटेज है उसको आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे इनपुट करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमलाइन पे मेरा आ गया है। और अभी क्या करना होगा, यहाँ पे आगे और पीछे जो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्लिप को वहां से मैं ट्रिम कर देता हूँ। तो ट्रिम करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो सीजर है यहाँ पे आपको टैप करना होगा और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड यहाँ पे आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट पोर्शन यहाँ पे ट्रिम हो चुका है और अभी क्या करना होगा, राइट जो पोर्शन है उसको अभी ट्रिम करना होगा। तो ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड यहाँ पे आपको टैप करना होगा और यहाँ पे मेरा जो मेन जो क्लिप है वो यहाँ पे आ गया है। तो अभी यहाँ पे राइट साइड पे टिक करता हूँ और अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे जो वीडियो है वहां पे आपको टैप करना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉप है क्रॉप पे आपको टैप करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन है, तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो एंड पोजीशन है वहां पे आपको कुछ यहाँ पे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्टार्ट पोजीशन पे जैसा आपका इमेज है जो सब्जेक्ट है ऐसे तरह आपको यहाँ पे जूम इन करके जो डबल फिंगर यूज करके यहाँ पे आपको ड्रा करना होगा और आपका यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और आपका डॉली इफेक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा। और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्वालिटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन तो यहाँ पे फुल HD आपको रखना है, ये स्टैंडर्ड है। और उसके बाद फ्रेंड्स बिटरेट जो है यहाँ पे मैं 16.08 यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पे ज्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसा करके उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है और आपका डॉली इफेक्ट वीडियो आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे बहुत ही आसानी से आप डॉली जूम शॉट इफेक्ट आप बना सकते हैं आपका मोबाइल डिवाइस से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ फिर से जरूर एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय।